लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सियासत में भी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुबह राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसी क्रम में बीजेपी के सांसद नायब सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सैनी को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न मनाया गया। बता दें कि जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार की सुबह अपनी सरकारी गाड़ियां लौटा दी थी, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों के अनुसार गठबंधन टूटने की वजह यह थी कि जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 1 से 2 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद ही लड़ने के पक्ष में है। अब सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष निशांत सिंह और बीजेपी विधायक कृष्णलाल मडढाने ने इस राजनीतिक उठापटक पर क्या कहा, चलिए सुनते हैं।